ग्यारहवां, एक रेखा 1.0 और 2.3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है तथा उसको एक अनुपात एन में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात करो। अब इस टाइप से आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, एक रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है 1.0 और 2.3। ये बिंदु मान लो ए बी। हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। इसको डी मान लिया। तो सी डी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंब है तथा इस रेखा को किस अनुपात में बांट रही है, एक अनुपात एन में। यानी जो बिंदु डी है वो इस रेखा को एक अनुपात एन में विभाजित कर रहा है। ये रेखा अगर बिंदु डी से गुजर रही है तो ये बिंदु डी इस पूरी रेखा को, इस रेखा को एक अनुपात एन में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो रेखा जो है वो इस रेखा को एक अनुपात एन में विभाजित तभी करेगी जब ये कर रहा हो। तो ये बिंदु डी इस रेखा को एक अनुपात एन में विभाजित कर रहा है। तो अब दो चीज़ें चाहिए, एक तो इस बिंदु के निर्देशांक, ताकि दे रखा है सवाल में, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबवत रेखा जो इसको एक अनुपात एन में विभाजित करती है। तो लंब हमें दे रखा है और इसको एक अनुपात एन में विभाजित करती है, तो इस बिंदु डी का निर्देशांक क्या होगा? पढ़ा है आपने, किसी रेखा को कोई बिंदु एक अनुपात एन या एम अनुपात एन में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हो? उसका एक्स निर्देशांक कैसे होता है? एम एक्स टू, पढ़ा है ना सूत्र, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। तो वैसे ही यहाँ पे जब ये सूत्र लगाओगे तो m का मतलब एक है और एक्स टू एक्स, ये एक्स टू वाई टू, ये एक्स वन वाई वन, तो पहले एक का गुणा दो से होगा, एक इंटू दो, प्लस n का गुणा एक से, बटे में m प्लस एन यानी एक प्लस एन। ये x निर्देशांक आता है। y निर्देशांक m वाई टू, m का मान एक है इंटू वाई टू का मान तीन है, प्लस n वाई वन एन इंटू जीरो बटे में वन प्लस एन। तो इस रेखा, इस बिंदु डी के निर्देशांक हो जाएंगे टू प्लस एन अपॉन वन प्लस एन और यहाँ पे थ्री अपॉन वन प्लस एन। ये इस बिंदु डी के निर्देशांक आ गए। समझ आ गया यहाँ तक? अब ये जो रेखा हमारी वो ए बी रेखा के लंबवत है। सी डी रेखा ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, दोनों लंबवत है। तो इसकी ढाल अगर एम है तो इन दोनों की ढाल का गुणा माइनस वन आएगा, है ना? तो इस सी डी रेखा की ढाल तो हमें पता है एम है, और इस ए बी रेखा की ढाल कितनी आएगी? तीन माइनस जीरो अपॉन दो माइनस एक, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर माइनस वन आना चाहिए। तो यहाँ से ये कितना है? तीन बटे एक यानी तीन, तो m का मान माइनस एक बटे तीन। तो हमारी रेखा की ढाल मिल गई, इस बिंदु से जा रही है। तो रेखा का समीकरण, ये वाला सूत्र हमारा, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? अब मैं इसको मिटा देता हूँ इधर। तो रेखा का समीकरण होगा, रेखा CD का समीकरण y माइनस वाई वन यानी तीन बटे वन प्लस एन, ये वाला इज इक्वल टू m माइनस एक बटे तीन, और x माइनस एक्स वन टू प्लस एन अपॉन वन प्लस एन। तो यहाँ वन प्लस एन एलसीएम ले लो तो वन प्लस एन इंटू वाई माइनस तीन बटे वन प्लस एन और बराबर माइनस एक बटे तीन, यहाँ एलसीएम लोगे वन प्लस एन तो वन प्लस एन इंटू एक्स माइनस टू प्लस एन, ये आया। अब एलसीएम से एलसीएम इधर दोनों तरफ कट गया, तीन का इधर गुणा कर देना तो तीन इंटू वन प्लस एन वाई माइनस नौ बराबर माइनस एक का इधर गुणा करोगे तो माइनस वन प्लस एन
एक्स प्लस टू प्लस एन। अब इस ये एक्स माइनस का इधर ले आओ तो वन प्लस एन इंटू एक्स प्लस तीन वन प्लस एन इंटू वाई बराबर नौ को उधर भेज दो टू प्लस एन प्लस नाइन तो ये नाइन प्लस इलेवन हो जाएगा तो वन प्लस एन आंसर देखो इसका एक्स प्लस थ्री वन प्लस एन वाई बराबर एन प्लस इलेवन। ठीक है ये इसका आंसर समझ आया कुछ या नहीं आया। एम तो निकालना सीधा सा है दोनों लंबवत थे तो एम का मान तो ढाल तो निकाल लिया। अब बिंदु निकालना था बिंदु के लिए इसने आपने आपको बोला है कि ये जो रेखा है वो इस रेखा को एक अनुपात एन में विभाजित करती है। ये रेखा कब करेगी जब ये बिंदु इसको एक अनुपात एन में विभाजित करेगा और ये बिंदु अगर इसको एक अनुपात एन में विभाजित कर रहा है तो आपने सूत्र पढ़ा हुआ है किसी रेखा को कोई बिंदु एम अनुपात एन में विभाजित करे तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं वो तरीका लगाया। ठीक है।